बुजुर्गों को मिलने वाला 5 लाख रुपए सालाना फ्री इलाज को आप रोक करके आप कौन से दिल्ली के बेटे बन रहे हैं? गरीबों का और बुजुर्गों का जो ये हक मारा है, उसके लिए हम अपनी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम कोर्ट में गए हैं। आप गरीबों की सुविधा को घोटाला कहते हो अरविंद केजरीवाल? जो कर रहे हैं वो तो पूरी दिल्ली जान रही है, लेकिन अगर किसी गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिल रहा है मोदी सरकार से, पूरे देश में मिल रहा है, आप उसको दिल्ली में क्यों रोक रहे हो अरविंद केजरीवाल? आप बुजुर्गों को मिलने वाला 5 लाख रुपए सालाना फ्री इलाज को आप रोक करके आप कौन से दिल्ली के बेटे बन रहे हो? मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, ये दोनों लोगों ने गरीबों का और बुजुर्गों का जो ये हक मारा है, उसके लिए हम अपनी पूरी लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली की एक एक जनता खड़ी होगी इसके खिलाफ। हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट न्याय करेगा। ऐसी गरीब विरोधी और बुजुर्गों की सुविधा विरोधी सरकार को न्यायालय इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और हमारा योजना शुरू होगा। मतलब 5 लाख रुपए का फ्री इलाज एक गरीब को मिलेगा तो घोटाला हो गया? आप गरीबों की सुविधा को घोटाला कहते हो अरविंद केजरीवाल? आप बुजुर्गों को मिलने वाली 5 लाख रुपए की इलाज को आप घोटाला कहते हैं और खुद घोटाला करके बैठे हुए मुख्यमंत्री पद से हाथ धो बैठते हैं? तो ये गरीबों का और बुजुर्गों का विरोधी लोग है, इन लोगों को हम सबक सिखा के रहेंगे। ये आखिरी महीना है, चुनाव के पहले आखिरी महीना है, तो ये आखिरी महीना में एक महीना के लिए तो कुछ भी करेंगे लोग, लेकिन जो एक महीना हो सकता है वो पूरे 60 महीना क्यों नहीं हो सकता है? ये इन लोगों को दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाएगी, आम आदमी पार्टी को। देखो जी, पॉल्यूशन से बचने के लिए हर उपाय करना चाहिए, लेकिन जो एक दिन के त्योहार को बैन करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, हम उसके खिलाफ हैं।